हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में समझने जा रहे हैं और क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 13.6 को सॉल्व करके समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग सॉल्यूशन को अच्छी तरह से ध्यान दे करके देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक बात और ध्यान रखिए कि इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू। आप ध्यान देंगे कि यह कोई एक सर्कल है। अब कोई सर्कुलर प्लेट है और उसकी हाइट को धीरे 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 हम लोग बढ़ाते जाएं तो वह सिलेंडर के रूप में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि सर्कुलर प्लेट का एरिया जो होगा वह पाई आर स्क्वायर बराबर होगा, और जब इसे हम बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी। तो एरिया इनटू हाइट के बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, क्योंकि उसका बेस सर्कुलर रहेगा जिसकी एरिया पाई स्क्वायर होगी और हाइट बढ़ेगा, तो जितना स्पेस छेका वही तो उसका वॉल्यूम है। तो इच हाइट के बराबर स्पेस छेक लिया, यानी सर्कल का एरिया इच हाइट के बराबर स्पेस घेरा। इस तरह से सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वह एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हुआ और हाइट एच हुआ, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से फॉर्मूला को देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ करके देख लें। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 cm एंड इट्स हाइट इज 25 cm, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। मतलब हुआ कि एक वेसल जो है वो सिलिंड्रिकल है जिसका सर्कमफेरेंस दिया गया है कि 132 cm की है और उसका हाइट दिया गया है 25 cm का है, और पूछा जा रहा है कि उसमें कितना लीटर पानी अटेगा। यानी पानी तो उतना ही अटेगा जितना उस वेसल की कैपेसिटी होगी, मीन्स वॉल्यूम उसका। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए, और यहाँ पर आर हमें नहीं मालूम है लेकिन उस सिलेंड्रिकल वेसल का सरकमफेरेंस हमें मालूम है। तो सरकमफेरेंस से हम लोग रेडियस यानी त्रिज्या को निकाल लेंगे और हाइट तो दिया ही गया है। इस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच से इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे पाएंगे। आइए देखते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 132 cm। फिर सरकमफ्रेंस क्या होता है, देखिए ये घेरा ही इसका सरकमफ्रेंस है, यानी 2πr। 2πr इज इक्वल टू 132 cm। अब 2 और पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132 cm। इस तरह से आर निकालना हमें, तो 7 डिवाइड में, तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 132 इंटू 7 और 2 इंटू 22 डिवाइड में आएगा और यह cm में रहेगा। ट्वेंटी वन सी एम का रेडियस हो जाएगा। अब हमें रेडियस मालूम हो गया, हाइट दिया गया है 25 cm का, हमें वॉल्यूम मालूम है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल पाई आर स्क्वायर एच होगा।
वॉल्यूम पाई का वैल्यू 22/7 आया। आर अभी जस्ट हम लोग ने देखा है कि 21 cm का है, इसके स्क्वायर कर लेंगे और हाइट 25 cm का है। अब 3465 cm क्यूब हो जाएगा। अब हम जान रहे हैं कि 1000 cm क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इसको लीटर में अगर हम करें तो वॉल्यूम लीटर, इसमें 1000 से डिवाइड करना होगा। जवाब आ जाएगा द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 cm एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 cm, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 cm एंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 cm क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। देखिए कोई वुडन पाइप रह रहा है, जिसका इनर डायमीटर 24 cm का है और आउटर डायमीटर 28 cm का है, तो जाहिर तौर पर यह पाइप जो है वो थोड़ा मोटा है। यह देखिए यह इनर डायमीटर हुआ और यह जो हुआ यहां से यहां तक आउटर डायमीटर हुआ, यह है आउटर डायमीटर हुआ और कहें तो यह है इनर डायमीटर हुआ। अब आउटर डायमीटर से हम लोग आउटर रेडियस लिख सकते हैं और इनर डायमीटर से इनर रेडियस लिख सकते हैं। आउटर डायमीटर ट्वेंटी एट सी एम की है, यानी आउटर रेडियस यह 14 cm का होगा। उसी तरह से इनर डायमीटर ट्वेंटी फोर सी एम की है, इनर रेडियस ट्वेंटी फोर बाई टू यानी 12 cm का है, इनर रेडियस आर इज इक्वल टू 12 cm है। अब लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 cm यानी हाइट ऑफ द पाइप एच 35 cm का है। हमें पाइप का मास जानना है, जब 1 cm क्यूब का मास 0.6 ग्राम है, पहले जो पाइप बनाने में वुड लगा हुआ है उस वुड का वॉल्यूम जान लेंगे तब तो उसका मास हम निकालेंगे, यानी पाइप का वॉल्यूम हमें जानना है। तो इसके लिए हमें आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को घटा देना पड़ेगा। इनर वॉल्यूम पाइप का तो खोखला है, तो इसका खोखलापन का तो वेट है नहीं, तो आउटर में टोटल आ जाएगा खोखलापन प्लस वुड, तो इनर को घटाएंगे वैसे ही वुड का वॉल्यूम बच जाएगा। तो यानी पाइप का वॉल्यूम जब हमें निकालना होता है तो आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को घटाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ द वुडन पाइप आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हुआ, इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हुआ, इसमें से इसे घटाएंगे तो हमें वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा। पाई और एच को हमने कर लिया कॉमन, यह आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हुआ, इस तरह से लिख लिया। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यह आर प्लस आर और आर माइनस आर कर लीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए और एच का वैल्यू 35 cm का है और आर को अभी जस्ट आपने देखा था कि 14 का है और इंटरनल रेडियस 12 का है और फिर यहाँ 14 माइनस 12 इस तरह से 7 फाइव 35 और
22 इंटू 5 110 हो जाएगा, इंटू 14 और 12 जोड़ लीजिए यह 26 आएगा, और फिर 14 से 12 घटाइए 2 आएगा। इस तरह से हम लोग 110 इंटू 52 कर लेंगे, 5720 cm³ आ जाएगा, यही ऊर्ध का वॉल्यूम होगा। अब हम जान रहे हैं कि दिया गया है कि 1 cm³ का 0.6 ग्राम है, तो यूज टू मेक द वुडन पाइप ग्राम आ जाएगा, और इसे केजी में बदलेंगे तो 3.432 केजी आ जाएगा। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स 18 कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 cm एंड विथ 4 cm हैविंग ए हाइट ऑफ 15 cm एंड ए प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 cm एंड हाइट 10 cm विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच, यही क्वेश्चन है हम लोगों का। तरह के पैकेट में अवेलेबल है, एक पैकेट जो है उसका बेस रेक्टेंगुलर है और इस तरह से वह क्यूबाइडल डब्बे में रखा गया है, और दूसरा जो है वह सिलेंड्रिकल पैक में रखा हुआ है। तो हमें बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। देख लेते हैं कि जो शॉर्ट ड्रिंक रेगुलर बेस वाले में है उसकी लेंथ 5 cm की है और विड्थ 4 cm की है और हाइट 15 cm की है। उसका वॉल्यूम हम लोग जान लेंगे 3 कैन का जिसका रेक्टेंगुलर बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बेस की लेंथ 5 cm की है, विड्थ उसका 4 cm की है और हाइट 15 cm की है। इसका वॉल्यूम LBH के बराबर होगा क्योंकि यह क्यूबाइडल सेट में है। तो 5 cm इंटू 4 cm और इंटू 15 cm, इस तरह से कैलकुलेट कर लें तो 300 cm³ के बराबर इसका वॉल्यूम होगा। अब दूसरा कंटेनर जो है वह सिलेंड्रिकल शेप में है, मीन्स इस तरह से है, और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ है। इसका बेस डायमीटर 7 cm का है और रेडियस 7/2 cm का होगा, हाइट इज इक्वल टू 10 cm। इसका भी वॉल्यूम हम जानेंगे, पाई आर स्क्वायर एच आएगा चूंकि यह सिलिंड्रिकल है, 22/7 आर 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर हो गया और इंटू एच 10 का हुआ, 7 से 7 कैंसिल कीजिए, 2 11 से 2 से 5 बार में 385 cm³ आ गया इसका वॉल्यूम। अब पूछा गया है कि वह कंटेनर जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और वह कंटेनर जो सिलेंड्रिकल है, दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी ज्यादा है, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज मोर कैपेसिटी, एंड बाय हाउ मच है, बाय 85 cm³, क्योंकि उसका 300 cm³ था, इसका 385 cm³ है, इस तरह से 85 cm³ यह ज्यादा होगा।
इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 cm² एंड इट्स हाइट इज 5 cm, देन फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड इट्स वॉल्यूम। यूज करें पाई इज इक्वल टू 3.14। देख रहे हैं कि लेटरल सरफेस सिलेंडर का 94.2 cm² का है, मतलब हुआ कि लेटरल सरफेस एरिया उसका, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94.2 cm² है। हम जानते हैं कि लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh होता है, इज इक्वल टू 94.2 cm² है। अब देख रहे हैं कि 2 हुआ पाई का वैल्यू, 3.14 टेकअप करना है और आर हमें नहीं मालूम है लेकिन हाइट मालूम है, 5 cm की है, तो 94.2 cm² ये हुआ। इस तरह से हम लोग रेडियस इसका निकाल पाएंगे, यानी 5 × 10 कर लें तो 10 में 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो 31.4 × r इज इक्वल टू 94.2 cm² आएगा। अब यहाँ से यह रेडियस निकल करके आ जाएगा 94.2 / 31.4, यह सेम स्क्वायर है और यहाँ यह सीएम में, तो ये सीएम स्क्वायर सीएम करके सीएम में बचेगा, तो कर ले हम लोग तो यह 3 बार में कटेगा यानी 3 cm आएगा। इस तरह से रेडियस हम लोग बता पाए कि 3 cm। अब हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, रेडियस हम लोग जान लिए 3 cm का और हाइट 5 cm का, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू 3.14 टेकअप करना है और आर स्क्वायर है मतलब 3 × 3 और एच है 5 का। इस तरह से 2 अंकों पॉइंट पुट करेंगे, यह आएगा cm क्यूब में, इस तरह से 141.3 cm क्यूब यानी 141.3 cm क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इफ कॉस्ट ₹2,200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल विसल 10 meter डीप, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹20 per m² फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द विसल, रेडियस ऑफ द बेस, कैपेसिटी ऑफ द विसल। किसी सिलेंड्रिकल विसल के इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्च ₹2,200 है और विसल जो है वह 10 मीटर गहरा है और पेंट करने का रेट जो दिया हुआ है वह ₹20 per m के हिसाब से है, मतलब 1 m² को पेंट करने का खर्च ₹20 लग रहा है, तो ₹2,200 कितना m² को पेंट करने में लगा होगा। हम लोग इससे इनर कर्व सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹2,200, रेट इज इक्वल टू ₹20 per m². जब 1 m² का ₹20 दिया गया है तो ₹2,200 कितना m² का लगा होगा, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा जब इससे हम डिवाइड कर लें, यानी जैसे ₹20 1 m² तो ₹40 2 m², ₹60 3 m², इस तरह से सोचिएगा। तो x² है तो 20 × x = 2200 आएगा, तो x = 2200/20 आएगा, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया ₹2,200/20 110 m² है। इसको हम लोगों ने निकाल लिया और रेडियस ऑफ द बेस निकालना है, तो बेस तो उसका सर्कुलर होगा ना,
हम जान रहे हैं कि इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, यहाँ पर एच तो ज्ञात है 10 का, और इनर कर्व सरफेस एरिया भी 110 का ज्ञात हम लोग कर चुके हैं, तो उस तरह से उसका रेडियस हम लोग निकाल पाएंगे। इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर है, यह 2 पाई आर एच होता है, यहां 2 और पाई 22/7 और आर और एच दिया हुआ है 10 मीटर का, यह 110 मीटर स्क्वायर हुआ। इस तरह से हम लोग आर को निकाल पाएंगे। इधर देख लीजिए, आर इज इक्वल टू 110 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 10 और यह मीटर में आ जाएगा। दो बार में 7/4 मीटर आएगा। डिवाइड कर लें मीटर का रेडियस आ जाएगा, यानी रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 1.75 मीटर। अब हम लोगों को निकालना है कैपेसिटी ऑफ द विसल, यानी उस सिलेंड्रिकल विसल की वॉल्यूम निकालनी है। कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच आएगा, पाई तो 22/7 हुआ, आर हम लोगों ने निकाला है 7/4 और आर स्क्वायर है तो फिर से 7/4 और हाइट 10 का है। इस तरह से 7 से 7 ये कट जाएगा और 2 2 4 2 5 10 फिर 2 से 11 में, और इस तरह से 385/4 मीटर क्यूब आ जाएगा। डिवाइड कर लें 4 9 36 और 2 38 25 हुआ, 4 6 24 1 25 4 9 8 10 96.25 मीटर क्यूब 96.25 किलोलीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का 1 किलोलीटर होता है। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। जो सिलेंड्रिकल विसल है वह क्लोज्ड है, सपोज दैट यह है एक सिलेंड्रिकल विसल है, क्लोज्ड का मतलब इसका फेंदा और ऊपर का ढक्कन दोनों बंद है। अब इसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर की है, तो कैपेसिटी 15.4 लीटर की है। लीटर से हम लोग सीएम क्यूब में चेंज कर लें या मीटर क्यूब में चेंज कर लें ताकि उसका वॉल्यूम निकल जाए, यानी वॉल्यूम इसका जो हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.4 इंटू 1000 सीएम क्यूब। 1 लीटर में 1000 सीएम क्यूब होता है, इस तरह से यह 154 और 00 सीएम, इस तरह से यह 15,400 सीएम क्यूब आ जाएगा। इतना सीएम क्यूब हो गया। अब इसे मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1 सीएम बराबर 1/100 मीटर, तो 1 सीएम क्यूब है यानी 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, यानी इसमें अगर हम लोग 15400 में 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड कर लें तो यह मीटर क्यूब में बदल जाएगा। इस तरह से यह 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो बचे हुए हैं, तो डिवाइड में 4 अंक पर पॉइंट आएगा, यानी 4 5 1 3 अंक हो गया, 1 अंक 4 अंक हुआ और यह एक पॉइंट हुआ और इतना मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ गया। अब
इस वॉल्यूम से हम लोग पता कर सकते हैं उसका रेडियस, का रेडियस पता करना है जबकि हाइट 1 मीटर का दिया हुआ है, 1 मीटर, उसका वॉल्यूम दिया गया है 0.0154 मीटर क्यूब और हाइट 1 मीटर। यहाँ हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल मिसल का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब है, और जाहिर तौर पर इसको 22/7 रखना है, और आर स्क्वायर नहीं मालूम है, एच तो मालूम है 1 मीटर का, 0.0154 मीटर क्यूब में है। अब यहाँ डिवाइड कर लें, अब यहाँ आर स्क्वायर निकालना है तो 0.0154 × 7/22, और इस तरह से यह मीटर क्यूब और यह मीटर स्क्वायर में बचना चाहिए, यानी मीटर स्क्वायर में आएगा। अब कटाएंगे अगर हम लोग तो कटाने के लिए इजी क्या है, सबसे पहले पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाएंगे तो यह 1.54 × पॉइंट के बदले में 1, 2, 3, 4 अंक आएगा, 1, 2, 3, 4 और × 7/22 7 आ जाएगा, या 7 × 7/10,000 मीटर² आएगा। यहाँ हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ देख लीजिए रेडियस इज इक्वल टू √7 × 7 और इसको 100 × 100 लिख लें, या 7/100 मीटर आ गया, यानी 0.07 मीटर आ गया। इस तरह से हम लोगों ने रेडियस मालूम कर लिया 0.07 मीटर। अब हम लोगों को हाइट 1 मीटर की मिल चुकी है और रेडियस 0.07 मीटर का मिल चुका है। यहां से हम लोगों को अब निकालना है कि उस क्लोज सिलेंड्रिकल मिसल को बनाने में कितना मीटर स्क्वायर का मेटल शीट लगा होगा। तो जाहिर तौर पर क्लोज है, यानी टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल मिसल इज इक्वल टू 2πrr + h, या 2πrh + 2πr² भी बोल सकते हैं। अब पहलू पुट अप कीजिए, 2 × 22/7 × r 0.07 + 1 मीटर का हाइट है, या 2 × 22 = 44 आया, और इसे 7 से कैंसिल कर लें तो 0.01 और यह 1.07 आया मीटर स्क्वायर में। अब इसे कैलकुलेट कर लें तो एरिया आ जाएगा 4728 मीटर² और 2 अंक 4 अंक पर पॉइंट, तो 1, 2, 3, 4 अंक पर पॉइंट, यहाँ पॉइंट दीजिए और यह 0, यानी 0.4728 मीटर² का एरिया होगा। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. देखिए, एक पेंसिल दिया गया है जो कि सिलिंड्रिकल है, हाइट इसकी 14 cm की है, इस पेंसिल का डायमीटर 7 mm का है और इसके अंदर एक ग्रेफाइट है, यह भी सिलिंड्रिकल है, इस ग्रेफाइट का डायमीटर 1 mm का है, हमें बताना है वुड का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। पेंसिल की हाइट जब
14 cm की है, तो 14 cm डायमीटर ऑफ द पेंसिल, यह 7 mm का है, तो रेडियस 7/2 mm का है, हाइट सीएम में है या एमएम में है, इसको भी सीएम में चेंज कर लें, यानी 7/2 और इंटू 10, 10 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 7/20 cm का रेडियस आ जाएगा। अब पूरी पेंसिल का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और इसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम घटा देंगे तो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल निकाल लें, पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई का वैल्यू 22/7 कर लें और आर 7/20 इंटू 7/20 और एच की जगह पर 14 cm डाल दीजिए। इस तरह से यह आ जाएगा 539/100 cm क्यूब, जिसे चेंज कर लें तो 5.39 cm क्यूब यह पेंसिल का वॉल्यूम हुआ। अब डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट mm का है, रेडियस 1/2 mm का हुआ, सीएम में कन्वर्ट कर लें तो 1/20 cm का होगा। अब यह भी सिलिंड्रिकल है, इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हुआ, 22/7 इंटू आर है 1/20, 2/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14 cm क्यूब आएगा। अब यह 10 तो यह 11, यानी 11/100 cm क्यूब होगा, घटाएं ये करें तो 0.11 cm क्यूब आएगा। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल 5.39 cm क्यूब हुआ और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 cm क्यूब हुआ। पेंसिल से ग्रेफाइट को घटा दें तो वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगा। फाइव पॉइंट थ्री नाइन माइनस 0.11 cm क्यूब, फाइव पॉइंट टू एट cm क्यूब वुड का वॉल्यूम होगा। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सोप डेली इन ए सिलिंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 cm। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 cm, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। हॉस्पिटल में 250 पेशेंट हैं और सभी को सूप हर रोज देना है, और सूप जो दिया जा रहा है वह एक सिलिंड्रिकल डिशल में दिया जा रहा है, मतलब इस तरह का कप या मग है जिसमें सूप को भर भर कर दिया जा रहा है। इसकी डायमीटर 7 cm की है और हाइट इसका जो दिया हुआ है वह 4 cm का दिया हुआ है। तो हम लोग एक बाउल का वॉल्यूम निकाल लें, यानी इसकी कैपेसिटी, तो डायमीटर इज इक्वल टू 7 cm, रेडियस 7/2 cm का होगा, हाइट 4 cm का है, वॉल्यूम
पाई आर स्क्वायर एच होता है, या 22/7 आर दिया गया है 7/2 का, फिर आर स्क्वायर है तो 7/2 × 7/2 हुआ और एच हुआ 4 का, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 × 4 और 2 से 2 कैंसिल, 154 cm क्यूब इसका वॉल्यूम है। नाउ हम जान रहे हैं कि 250 पेशेंट हैं, एक पेशेंट को 154 cm क्यूब दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सूप 250 × 154 cm क्यूब में आ जाएगा। अब इसको लीटर में चेंज कर लें तो कैपेसिटी यह आ जाएगा 38,500/1000 लीटर, यानी 38.5 लीटर डेली सूप प्रोवाइड करना है।